और एक ये बंदा है, पता नहीं क्यों बीच में बाइक रोक रखी है और हमको हाथ दे के रोके जा रहा है बार बार। है सेल्फी। पर हमको बीच बीच में कुछ जगह पर लोगों ने ये बोला था कि भाई अगर तुम उदयपुर जाओगे तो रात को क्रॉस मत करना 10 बजे के बाद। तो हमें वैसे वो हो रहा है कि लूटपाट का यहाँ पर सीन हमको पहले बता दिया गया है, अब इनके लिए थोड़ी रुकेंगे। ये देखो भाई साहब क्या रास्ता दिखा दिया है जीपीएस ने भाई। हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। तो भाई आज है 19 नवंबर और अभी हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं नहा के, नाश्ता हमने कर लिया है और आज हमको यहाँ से निकलना है और आज हमको सीधे जाना है यहाँ से उदयपुर। मतलब आज की राइड काफ़ी लंबी होने वाली है, 2 दिन जैसलमेर में हम लोग रुके थे और यहाँ टेंट में भी हमारे 2 दिन हो गए जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे। मतलब क्या ही अलग एक्सपीरियंस था यार, ये ड्यून्स वाला तो बहुत ही ज़बरदस्त था। जाने का टाइम हो गया, इसको बाय करने का टाइम हो गया अपना, अब यहाँ से आज हमको निकल के उदयपुर जाना है क्योंकि भाई जिस रूट से आए हैं उस रूट से वापस थोड़ी जाएंगे, तो इसीलिए बाड़मेर से होते हुए उदयपुर जाएंगे जो कि यहाँ से लगभग 550 किलोमीटर है। अब GPS में तो दिखा रहा है कि 10.5-11 घंटे लगेंगे लेकिन हमें पता है कि हमें 12-13 घंटे लग जाएंगे आराम से, 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो अभी इस प्यारे से टेंट को बाय करने का टाइम आ गया, बैग अपना बिल्कुल तैयार हो चुका है अच्छे से, बस 2-4 सामान रह गए हैं, एक्सटेंशन डालना है ये अनिल भाई का, इनके बैग में जाएगा, बाकी अपना सारा सामान रेडी है। वहाँ GoPro चार्ज हो रहा है और फोन चार्ज हो रहा है अपना MI वाला, अपने नुकसान होने का ही दिन है। और ये छोटा मोटा रह गया मलिक भाई, हमारा बैग हमारी बाइक तक पहुँचा दो बस, उसके बाद हम अपने आप देख लेंगे। और लो राजू भाई भी आ गए पीछे से। सामान अपना बाइक पे लग चुका है बढ़िया से और अब अलविदा करने का टाइम आ गया है। बढ़िया जो अपना कैम था इसको, राजू भाई निकलते हैं फिर यहाँ से। जी जी ठीक है भाई, निकलते हैं फिर यहाँ से। बढ़िया एकदम गेस्टर रहा आप लोगों का, अब आगे जाएंगे हम सीधे उदयपुर के लिए और थोड़ा सा इनकी बाइक पे अभी पैनियर्स लगाने रह गए हैं, इसको और फटाफट फिट कर देते हैं। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, पेट्रोल बहुत ज़्यादा कम है, पहले फ्यूल अप करा लेते हैं। ठीक है आरिफ भाई चलो निकलते हैं, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा कैंप का, अब यहाँ से फटाफट निकलते हैं। 9:30 ऑलरेडी बन चुके हैं, फ्यूल रेंज तो अब दिखानी बंद कर दी, स्क्रीन पे सीधा आ गया भैया पेट्रोल डलवा लो, अभी चल रहे हैं फ्यूल अप कराने। चलो भाई काफ़ी बढ़िया बढ़िया लोग हमको मिले, काफ़ी बढ़िया बातचीत भी हुई और यार इस कैंप में रुकने का मज़ा अलग ही है सही में, बहुत ज़बरदस्त कैंप्स हैं, बहुत ज़बरदस्त यहाँ का नेचर है सबका, गेस्चर बहुत प्यारा था। लेकिन अब फाइनली हमको निकलना पड़ रहा है यहाँ से और आज हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधे उदयपुर जो कि यहाँ से है 550 किलोमीटर। तो भाई साहब GPS में तो दिखा रहा है 10 घंटे वैसे, लेकिन हमको लग जाएंगे 13 आराम से क्योंकि 3 घंटे हम लेके चलते हैं खाने वाने के, देखते हैं आज की राइड कैसी होती है, मज़ा तो पूरा आने वाला है मेरी जान। लेट्स गो, बट पहले पेट्रोल उसके बाद मजे। बाइक झटके लेके चल रही है भाई साहब, जहाँ पर ये सारे कैंप हैं उन्हीं के बीच में ये रहा एक पेट्रोल पंप, फटफट यहाँ से करवा लेते हैं फ्यूल अप, टंकी फुल कर दे भैया। यहाँ पेट्रोल चल रहा है 111, भाई साहब राजस्थान ने तो हद ही मचा रखी है कसम से, इतना ज़्यादा महंगा पेट्रोल है ना तोते उड़ जाएं बंदे के। तो फाइनली पेट्रोल दोनों में करवा लिया फुल और 1180 का पेट्रोल आया, इतना महंगा पेट्रोल है वहाँ, यहाँ पे 111 भाई हद होती है कसम से। अब यहाँ से निकलते हैं फटफट, चलो भाई वही अपनी पुरानी 316 की रेंज हो चुकी है बढ़िया एकदम, अब निकलते हैं और ये ज़बरदस्त सैंड ड्यून्स आ गए यार, यहाँ पर जो गाड़ी चली है ना कसम से एक नंबर, ये 4x4 में बैठ के पीछे मज़ा ही आ गया, उम्मीद है आप लोगों को भी देख के मज़ा आया होगा, क्या ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है यार। ये देखो ऐसे ट्रैवलर की ट्रैवलर आती है, भीड़ की भीड़ भयंकर, खूब दबा के टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, मस्त जगह है यार बहुत बढ़िया। जोधपुर तक तो पता ही नहीं लगेगा आपको कि ऐसा भी कुछ है, उसके बाद जब आगे आने लगोगे ना जैसलमेर के लिए तब पता लगेगा कि भाई साहब हाँ कुछ बढ़िया चीज़ आने वाली है अब आगे। और सूरज बिल्कुल धीरे ऊपर जा रहा है और भाई साहब गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है, गर्मी अपनी चरम सीमा पर है अभी से ही, 9:30 बजे ही पसीने पसीने हो गए हम लोग, पर क्या करें गियर्स पहनने पड़ते हैं यार। और भाई साहब ऊंट पे भी हमने राइड कर ली, ओ पे गिरा ओए
अब देख रहे हो भाई जगह कितनी है राजस्थान में, मतलब इतना बड़ा राजस्थान है ना, 200 किलोमीटर तक चले जाओ तो दूसरा शहर आ जाएगा राजस्थान का, लेकिन राजस्थान खत्म नहीं होगा किसी भी जगह से देख लो। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे जैसलमेर से होते हुए बाड़मेर और बाड़मेर से होते हुए उदयपुर। अभी ये चल नहीं रही हैं, वरना ये घूमती हैं तो और मजा आता है इनको देखकर। और इतनी ज्यादा ह्यूज होती है ना, इनके ब्लेड्स इतने बड़े बड़े होते हैं भाई साहब, पूरा एक ट्रक जाता है लंबा वाला इनको लेकर के एक ब्लेड को। यहाँ पे आके ना कंजेस्टेड जैसा फील नहीं होगा, इतना खुला है ना, इतना खुला। और हवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक किया हमने, ओनली 42 भाई साहब, 100 भी नहीं, सिर्फ 42 एयर क्वालिटी इंडेक्स है यहाँ पे। तो देख लो कितनी शुद्ध हवा होगी, कितनी प्यारी हवा होगी ये, मतलब जी सा आ जाएगा मजा आ जाएगा। इतना ज्यादा कम एयर क्वालिटी इंडेक्स तो बहुत ही कम जगह मिलता है। तो यहाँ पर ये सीन भी है, एकदम से रास्ते में बकरी भेड़ वगैरह आ जाती हैं भयंकर, अब ध्यान से चलानी पड़ती हैं। ये ना हटती भी नहीं है और ऊपर से अचानक से रोड पे आ जाती हैं। बकरियों को देख रहे हो, फुल चौड़ में चल रही हैं रोड पे, और वहां तो बहुत सारी हैं ग्राउंड में, भयंकर। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, भयंकर कह रहा हूँ भयंकर खतरनाक। तो फाइनली वी हैव एंटर्ड इन जैसलमेर, स्वर्ण नगरी जैसलमेर में आपका स्वागत है। क्या बात है, यहाँ से दूर नहीं था, 40 किलोमीटर ही था जो सम जगह है, लेकिन अब जैसलमेर होते हुए हमको निकलना है बाड़मेर की तरफ। और भाई जैसलमेर की रोड्स वगैरह सब एकदम बढ़िया है, बस यहाँ पर गर्मी है जो सबसे बेकार चीज़ है। अपने फिर भी इस वाले मौसम में आए हैं जिससे कि अपने को थोड़ा ठंडा ठंडा लगता रहे, वरना मई जून में तो बंदा पागल हो जाए, यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है। मतलब वो खुद बता रहे थे कैंप वाले कि दोपहर के टाइम तो हम लोग बाहर ही नहीं निकलते हैं, हवाएं चलती हैं रेत वाली, समझ रहे हो, ऐसे तूफान आता है रेत वाला। तो भाई अभी जैसलमेर सिटी से बाहर आ गए हैं और ये बोर्ड लगा हुआ है बाड़मेर राइट पोखरण लेफ्ट, तो ऑब्वियसली हमें होना पड़ेगा राइट। तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है बाड़मेर 146 किलोमीटर, फतेहगढ़ 57 एंड देवीकोट 32 किलोमीटर। बढ़िया, लेट्स गो फ्रॉम हेयर, देखते हैं कितनी देर पहुँचते हैं। अभी हमने 5000 किलोमीटर चला ली भाई अपनी बाइक टोटल हमने, क्या बात है, अपनी बाइक के 5000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, तालियां हो जाए तालियां तालियां। क्या बात है, अब 150 किलोमीटर कंप्लीट करते हैं बाड़मेर वाले, फिर उसके आगे के उदयपुर के जो रह जाएंगे वो भी फटफट कर ही देंगे यार। तो यहाँ जो है बढ़िया विंड मिल आ गई है और सारी घूम रही है ऑलमोस्ट, और एकदम सामने है यार, इतनी ज्यादा ह्यूज लग रही है ना, देख के मजा आ गया भाई साहब, इतनी ज्यादा पास है ना, क्या जबरदस्त लग रही है। तो यहाँ लगाते हैं और बढ़िया बढ़िया फोटो है लेते हैं। चलो भाई बढ़िया फोटो है ले ली है, और अभी ये वाला टाइम है ही नहीं फोटो का यार, इतना ज्यादा ब्लैकिश आ रहा है ना, इन विंडमिल्स के साथ फोटो लेनी थी बढ़िया, लेकिन पूरा ब्लैकिश आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है और सूरज बिल्कुल ऊपर है, तो इस वजह से यहाँ की फोटोएं जो हैं अभी तो इतनी आ नहीं पाई है, पर जितनी हमसे हो पाया हमने उतनी खींच ली है। इंस्टा पे फॉलो कर लेना, फोटोएं दिख जाएंगी बढ़िया बढ़िया। और ये विंडमिल भी क्या बड़ी है, और ये इनका साइज देख रहे हो भयंकर, ये देखो भाई साहब क्या खतरनाक लग रही है कसम से, वो हो क्या ह्यूज है यार, ये सारी इतनी बड़ी बड़ी है भयंकर, दूर से कैसी लगती है ये। तो भाई अभी लगभग टोटल 250 किलोमीटर अपन चला चुके हैं और अभी लगभग 300 किलोमीटर रह गया यहाँ से उदयपुर। हाँ फर्स्ट क्लास एंजॉय किया, बढ़िया हाईवे पे मजा आ गया चलाने में, और अनिल भाई ने चलाई थी अपनी वाली और इनका एक्सपीरियंस भी काफी तगड़ा रहा। और अब जो है यहाँ पर एक ये ढाबा पड़ा है बीच में जहाँ पर अपन रुके हैं, और बेस्ट चीज यहाँ पर ये देखो, ये आते फैल गए यहाँ पे, हार्ड मिल गई है बढ़िया एकदम,
तो यहीं बैठ के अपन खाना लगवाएंगे, क्योंकि अभी जो है दोपहर के बज चुके हैं 3 और हमने अभी तक लंच किया नहीं है। वैसे ही छोटा मोटा खाया था वहाँ पर, तो अब जो है लंच करके निकलेंगे यहाँ से। तो ये आ गया अभी अपने बाजरे की रोटी, भिंडी की सब्जी और कड़ी। तो इन्होंने अलग से लिया, ये लाल मिर्च की चटनी, इनको मिर्च बड़ी पसंद है। निकलते हैं इस रोड पे। पता है क्या, एक एक रेस्टोरेंट्स वगैरह कुछ है नहीं, ऊपर से पूरे गांव-गांव का इलाका है, तो इस वजह से हमने कहा अब जो जहाँ मिल रहा है वो खा लेते हैं, क्योंकि 3 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो इसीलिए ज़्यादा लेट नहीं करना। भाई साहब भूख ऐसी लग रही थी ना खतरनाक, अब खाना खा लिया। फ्यूल रेंज 134 की दिखा रहा है, तो 100 किलोमीटर बाद तेल डलवाते हैं इसमें। जलोरी अभी 120 किलोमीटर है ही, थोड़ा सिटी टाइप लग रहा है, बार बार इसी का ही नाम आ रहा है। और बाकी उदयपुर पहुंचने में तो आज आराम से 9 बजने वाले हैं, 9 या 10। और आगे अब जो है थोड़ी बहुत पहाड़ी दिखने शुरू हो गई है, क्योंकि उदयपुर में पहाड़ियाँ ही तो हैं ना मेरी जान। उदयपुर के व्लॉग्स बना चुके हैं हम पहले से, पर लेकिन इससे नहीं गए ना अभी तक, इससे जाने का मज़ा अलग है, ये वाला एक्सपीरियंस नहीं करा ना हमने गज़ब का जो है। क्या बात है, क्या रोड है भाई साहब। तो ये अभी टाइम हो चुका है 5:03 और अभी भी उदयपुर 150 के आसपास रह गया है। काफ़ी देर हो गई चलाते हुए, अब तो हमने 1.5 घंटे लगभग चला ही लिया है। अब देखते हैं चाय वाय पीने के लिए रुकेंगे। ये बढ़िया हाईवे आ चुका है और अभी पूछते हैं जरा कितना रह गया है, कितना रह गया है, 200। तो अभी जो है उदयपुर 200 किलोमीटर रह गया है, तो वही 200 करने में तो टाइम लग जाएगा, 4 घंटे लगभग, तो वही 9-10 बजे तक पहुंचेंगे अपन। और अभी तो जो है हमने एक ब्रेक भी नहीं लिया है, फिर खाना भी खाना है, तो वही वही रात ही हो जानी है। पर कोशिश करेंगे जल्दी पहुंचने की, रास्ते तो बढ़िया है एकदम, पर हम आराम से चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं। चल झूठा। तो ये अभी उदयपुर नहीं पहुंचे और GPS ने हमको ऐसा रास्ता दिखा दिया है उदयपुर जाने के लिए, ये बीच में छोटा सा पैच है एक, पता नहीं कौन सा रास्ता है, पर ऐसा लग रहा है शॉर्टकट दिखा दिया है। अब ये GPS ना शॉर्टकट के चक्कर में हमें फंसा ना दे कहीं, ये ऐसे ही करता है भाई। आगे पता चला रास्ता बंद, लो जी नदी में कूद जाओ, अब कुछ आगे पता चला। तो अब हमने GPS की मान तो ली है, लेकिन डाउट फिर भी अभी भी है कि ये कहाँ ले जा रहा है पता नहीं। ओहो भाई साहब अभी यहाँ गिरेगी, यहाँ तो आराम से जानी पड़ेगी भाई, ये तो कहीं और ही ले आया, कतई जंगल के बीच में ले आया एकदम। अरे भैया ऑफ रोडर है भी नहीं हमारी बाइक, वो तो निकल भी जाएगी, पर हम निकाल लेंगे भाई साहब। क्या रास्ता दिखा दिया है GPS ने भाई। अबे भैया अभी तो आगे बहुत खतरनाक रास्ता है, ये धस गई। अबे यार अपनी बाइक मिट्टी में फंस गई, यहां से निकाल लूं क्या। क्या कह रहे हो, अब हो रही है राइड असली, देखते हैं आज की राइड कैसी होती है, मजा तो पूरा आने वाला है मेरी जान। चलो भाई फाइनली खत्म कर दिया वो सारा खराब रास्ता, और अच्छा हुआ बाइक गिरी नहीं, वरना तो भाई साहब मुश्किल हो जाता बहुत, अफसर में दर्द हो गया सच में, चाय पीने का मन हो रहा है भाई साहब। ये GPS के चक्कर में ना यही काम खराब होता है। तो भाई अभी टाइम हो गया 6:11 और एक ये दिखाया हमको ढाबा था बीच में, तो हमने कहा यहीं रुक जाते हैं, चाय वाय पी लेते हैं, क्योंकि काफी देर हो गई चलाते हुए। 7:11 ब्रेक लेने की वजह से। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, बढ़िया फ्रेशन अप हो गए, सर में दर्द हो गया था भाई साहब उस ऑफ रोड के बाद। ओहो निकलते ही ऑफ रोड, क्या बात है। हमको वैसे भी किसी ने बताया था जैसलमेर में कि ये जो एक जगह पड़ती है जलोरी करके, उसके बाद का रास्ता काफी खराब है, तो वो हम अभी एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं।
ये रास्ता पूरा ऐसा ही है, खराब खराब सा, लेकिन आगे जाके एक 4 लेन हाईवे आ जाएगा बढ़िया, लगभग 60 या 70 किलोमीटर बाद। 7:30 हो गए, GPS में तो 11 बजे तक दिखा रहा है। भाई साहब यहाँ क्या है कि उदयपुर से पहले एक 4 लेन हाईवे के आसपास ना एक वैसे पहाड़ टाइप का एरिया है, जहाँ पर मतलब जो लूटने वाले होते हैं ना, बस्ती वाले लोग रहते हैं। तो अभी कुछ लोगों ने हमको आगाह कर दिया कि भाई ऐसा है, थोड़ा ध्यान से जाना, वहाँ पर बस्ती वाले होंगे, वो लूट भी सकते हैं, बस अपनी बाइक कहीं रोकना मत, रोकना सिर्फ होटल या फिर रेस्टोरेंट के सामने, उसके अलावा कहीं रास्ते में बाइक रोकना मत। तो हमने कहा ठीक है भाई, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कुछ भी लड़की के कपड़े पहन के खड़े हो जाएंगे रास्ते में लिफ्ट विफ्ट मांगने के लिए, आपने गलती से अगर रोक दी तो फिर वो लड़के ही निकलेंगे उन कपड़ों के अंदर और फिर लूट लेंगे, फिर कपड़े वपड़े तो छोड़ो, वो सीधे पर्स वर्स पे हाथ मारेंगे, कुछ भी मतलब बुरा हो सकता है, इसीलिए कहीं रुकना नहीं है। तो अभी हम सीधे जा रहे हैं इस वाले रास्ते पे, और एक ये बंदा है पता नहीं क्यों बीच में बाइक रोक रखी है और हमको हाथ दे के रोके जा रहा है बार बार। भाई नहीं रुकना यार, बिना मतलब रोके जा रहा है, कौन है क्या है हमें क्या पता। क्या हो गया भैया, बताओ हैं? हैं? सेल्फी नहीं, कोई सेल्फी नहीं भाई, लेट हो रहा है हमको। भाई क्या पता कैसा बंदा है, कौन है, कहां से है, कुछ पता ही नहीं है, सेल्फी लेना इतनी रात को। हमें वैसे वो हो रहा है कि लूटपाट का यहाँ पर सीन हमको पहले ही बता दिया गया है, अब इनके लिए थोड़ी रुकेंगे, हमको भी सेफ्टी लेके चलनी होती है यार, ऐसे नहीं रुक सकते हम कहीं भी, वो भी बाइक पे और हैं, गाड़ी हो तो बात अलग है यार, या बंदे ज़्यादा हों। तो फाइनली अब जाके हाईवे आया है, वो सारा जो खराब रास्ता था ख़त्म, जब से बोले जा रहे थे हम राजस्थान की रोड है ये वो, भाई साहब अब जाके चैन मिला है। तो भाई अभी अपन जो है सिरोही में है, और सिरोही का ये जो मेन एरिया है यहाँ पर अभी रुके थे और हमने आइसक्रीम खाई है यहाँ पर, और अभी हमको भैया ने बताया कि भाई आगे मत जाना, उदयपुर वाला जो रूट है उस पर थोड़ी सी दिक्कत है, वो मैं आपको होटल में रूम पहुंच के बताऊंगा, पर अच्छा हुआ है भैया ने बता दिया। तो अभी जो है इनका यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है साइड में, जहाँ पर हम जाके खाना वाना खाएंगे, लेकिन पहले अपन जो है सिरोही में स्टे कर रहे हैं, यहाँ पर ही होटल ले रहे हैं। इस होटल को लेने की वजह क्या है वो भी मैं आपको रूम पे पहुंच के बताऊंगा। सिरोही में स्टे कर रहे हैं अभी हम, उदयपुर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उदयपुर अभी भी यहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता है और बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इन लोगों ने हमें बताई है। तो इसी वजह से अपना जो है रूम पे पहुंच के आपको अच्छे से बताता हूँ कि क्या सीन है उदयपुर वाले रास्ते का और बाकी सारी चीज़ें। फ़िलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं, 5 मिनट की दूरी पे एक हमने होटल अभी देखा है यहाँ पर, उसको करते हैं फाइनल। हमने रूम में सामान तो सारा रख दिया है, रूम भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब छोटा है लेकिन ठीक है, हमको तो यहाँ पर बस रात को सोना ही है, और सामान सारा भी यहाँ आ चुका है बढ़िया तरीके से, सारे पैनियर्स आ गए हैं, और एक ये छोटी सी एक कबर्ड टाइप दे रखी है, इधर विंडो है जो अपन सुबह खोलेंगे जब रोशनी आएगी बढ़िया सी। AC लगा हुआ है यहाँ पर, AC ज़्यादा ढंग से काम भी नहीं करते हैं, अभी रात के टाइम थोड़ी ठंड है इसलिए ढंग से काम कर रहे हैं, और अपन भी जो रूम में आकर के फ्रेशन अप हो चुके हैं, और अभी खाना रह गया है, खाना खाने जाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको वो सीन बता देता हूँ कि किस वजह से हमको सिरोही में ही होटल लेना पड़ गया और हम आगे नहीं गए उदयपुर की तरफ। तो सीन क्या हुआ कि अभी तक हमने पूरे राजस्थान राइड में जितने भी रास्ते कवर करे ना सारे बढ़िया थे, लेकिन अभी जो हम रास्ता कवर करते हुए आ रहे हैं सिरोही तक, वो सारा का सारा बेकार था, बाड़मेर के बाद से पूरा वन वे था और इतना ख़राब रास्ता था। तो इस रास्ते पे तो फिर भी इतनी दिक्कत नहीं हुई, पर हमको बीच बीच में कुछ जगह पर लोगों ने ये बोला था कि भाई अगर तुम उदयपुर जाओगे तो रात को क्रॉस मत करना 10 बजे के बाद, क्योंकि उदयपुर में क्या है कि जब आप सिरोही क्रॉस करोगे यहाँ से, तो सिरोही क्रॉस करने के बाद एक जगह आती है पिंडवाड़ा, और पिंडवाड़ा के बाद मतलब है वो 4 लेन हाईवे, लेकिन 4 लेन हाईवे पे भी जो है बीच में पिंडवाड़ा के बाद एक चट्टान वाला रास्ता आता है, वहाँ पर पहाड़ी वाला रास्ता है जिसके ऊपर लोग खड़े रहते हैं, वो वहाँ के आदिवासी बोलते हैं, ऐसा कि आदिवासी वगैरह की थोड़ी बस्ती है, उस टाइप के लोग हैं जो पहाड़ी के ऊपर खड़े रहते हैं और पत्थर वगैरह मारते हैं ऊपर से, तो आपके तो बाइक है तो कुछ भी नुकसान हो सकता है बहुत ज़्यादा, तो दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से हमने जो है सीधे प्लान करा कि हम सिरोही में ही रुक जाते हैं, क्योंकि ये जगह भी काफ़ी बड़ी है और डिस्ट्रिक्ट है अच्छी खासी, यहाँ पर होटल की कमी नहीं है, बढ़िया सा होटल देख के हम यहाँ रुक गए, क्योंकि यार रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, उदयपुर यहाँ से 128 किलोमीटर है अभी भी, तो हमें लगभग 3 से 4 घंटे लग ही जाते पहुँचने में, और अगर कोई सीन वैसा हो जाता पिंडवाड़ा के आसपास तो फिर तो लेने के देने पड़ जाते खतरनाक वाले,
तो इसीलिए डिसाइड कर लिया कि यहीं होटल लेंगे और मॉर्निंग में अपन उदयपुर निकल जाएंगे। तो इसी वजह से हमने जो है यहाँ पर जो एक रूम देखा बढ़िया सा होटल, होटल सिरॉय स्टे, और इसी में हमने रूम ले लिया और अपन कल सुबह उठ के अपनी राइड स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब ज़्यादा टाइम होने लगे ना तो भाई साहब रूम लेके सो जाओ चुपचाप, सुबह उठ के निकल जाओ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, राइड पूरी रात करो या जो भी है। तो अभी बस अपन इस व्लॉग को यहाँ पर करते हैं एंड, और अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप यहाँ नए हो तो, और कॉमेंट करके बताना आपको कैसा लगा आज का व्लॉग, और बाकी दोस्तों में शेयर करना दबा करके, और अब हम आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। कंट्रोल रखो भावनाओं पे, कंट्रोल उदय, कंट्रोल भावनाओं पे कंट्रोल रखना पड़ता है।